बेटा अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 8। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप ए ने कर लिया है, ग्रुप बी ने नहीं किया। क्योंकि तो आपको याद होगा कि कल ग्रुप ए आया था, मगर कोरोना केसेस की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हुई। ठीक है, आज हम लोग वही करेंगे जो कल हमने ग्रुप ए में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तमाम स्टूडेंट्स अगर करना चाहें तो दोबारा उसको देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ए वाले भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, मगर इससे पहले दो टॉपिक आपको समझाने हैं। ठीक है, पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट अच्छा बेटा, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको एक दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अच्छा बेटा, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे आपको दो तीन सेट दिए हों। ठीक है, जैसे आपको एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, एक सेट सी दिया हुआ है, दो तीन सेट है। तो अगर ये तमाम सेट एक सेट जो हो उसके अगर सब सेट हो, उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए जैसे आपका एक यूनिवर्सल सेट जैसे यू है, यूनिवर्सल सेट को यू से शो करते हैं, कैपिटल यू से। यू देखिए जैसे आपके पास है 1, 2, 3, 4 up to 10 तक। ठीक है, ये सेट यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 up to 10 तक। एक सेट आपके पास है 1, 3, 5, 7 और 9। एक सेट बी आपके पास है, एक सेट बी आपके पास है 2, 4, 6, 8। तो बेटा आप देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट भी सेट डी यू के अंदर मौजूद हैं और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट सेट यू के अंदर मौजूद हैं। तो अगर सेट ए और बी या जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन हो, इन तमाम सेट्स के एलिमेंट अगर एक सेट यू के अंदर मौजूद हो तो हम कहते हैं यू इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे हम मैथमेटिकली यू लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी यू सॉरी और बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बेटा ये होता है यूनिवर्सल सेट। दोबारा सुन लें, अगर आपको जितने भी सेट दिए हो, ए दिया हो, सेट बी दिया हो, सी दिया हो, अगर ये तमाम सेट एक और सेट उसके सबसेट हो, उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक है। सेट ए आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9 है और सेट बी है 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट भी यू के अंदर मौजूद हैं और सेट बी के भी एलिमेंट यू के अंदर मौजूद है, यानी ए और बी आर द सबसेट ऑफ सेट यू। तो यू को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, पहली बात तो बेटा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट को हमेशा किसे शो करते हैं, जैसे सेट ए है इसके ऊपर या तो ये डैश डाल देते हैं या और ए के ऊपर कैप डाल देते हैं, सी डाल देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ए के ऊपर डैश डाल देते हैं बार या डैश डाल देते हैं या ए के ऊपर स्मॉल सी लिखते हैं। जैसे अगर सेट बी है तो बी के ऊपर या तो आप ये डैश डाल देंगे और बी के ऊपर स्मॉल सी डाल देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं, देखिए जैसे आपका तो एक सेट है यूनिवर्सल सेट है, यू आपके पास है 1, 2, 3 up to 10 तक। ठीक है, और एक सेट ए आपके पास है 2, 4, 6, 8। आपको कह रहे हैं कि फाइंड ए डैश इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, जब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
given that universal set U आपके पास है 1, 2, 3 up to 10 तो एक सेट A आपके पास है 2, 4, 6 और 8 और आपको फाइंड करना A डैश। ठीक है बेटा, देखिए A डैश का मतलब ये होता है, A डैश मतलब यानी A जो कॉम्प्लीमेंट है ये यूनिवर्सल सेट माइनस A। अब बेटा देखिए U माइनस A का मतलब ये है कि U के वो एलिमेंट्स जो A के अंदर मौजूद ना हो। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, देखिए U देखिए आपके पास है 1, 2, 3 up to 10 यहाँ लिखेंगे माइनस A, A आपके पास है 2, 4, 6, 8 तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A those elements of U which are not present in A, यानी U के वो एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद नहीं है। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट मौजूद नहीं है, देखें A डैश देखिए आपके पास याद है, देखिए एक आपका 1 नहीं है, ठीक है, फिर आपका देखिए 3 नहीं है, फिर आपका 5 नहीं है, फिर 7 नहीं है, फिर 9 नहीं है, फिर 10। तो U के वो एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद नहीं है वो कौन कौन से नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9 और 10। तो बेटा ये आपके पास आ गया A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बात आ गई समझ में, तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे बुक का क्वेश्चन। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, इफ U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है, इफ U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to 10 सेट A आपके पास है 2, 3, 5, 7 और 9 सेट B आपके पास है। अच्छा बेटा बुक में देखिए यहाँ सेट C लिखा हुआ है, इसको आप B कर लें, और देखिए इसमें 0 भी है तो 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना मैंने बताया है कि जो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि अगर बाकी दो जिन सेट की हम बात करें उसके एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों तो ये 0 नहीं है, इसके बजाय हम इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है 1, 2, 4, 6, 8 और 10 एक तो देखिए क्या कर लें, इसको देखिए सी के बजाय सेट बी कर लें, अब दूसरा यहाँ पर 0 है, 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है ये 1 से लेके 10 तक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है दूसरा ये 2, 3, 5, 7, 9 है और जो सेट बी है ये 0 है, 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 0 यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, देखें हमें फाइंड ये करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है, एंड ए यून बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपने फाइंड करना है। ठीक है बेटा बेटा देखिए अभी क्वेश्चन में 1 के कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हैं। ठीक है तो एक दो आपको मैं समझाता हूँ, बाकी फिर आपको खुद कर लेंगे। ठीक है अब देखिए पहले आपने जो फाइंड करना है, जब हम सॉल्यूशन करें गिवन आपके पास ये है, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट यूनिवर्सल सेट आपके पास U इज इक्वल टू 1, 2, सेट A आपके पास है
2, 3, 5, 7 or 9. सेट बी आपके पास है, बुक में सी दिया हुआ, इसको आप बी कर लें और जीरो के बजाय आप वन कर लें. 1, 2, 4, 6, 8 और 10. अब बेटा देखिए, जो पहला आपने पार्ट फाइंड करना है, पहले आपने करना है पहले 4a डैश, 4a कॉम्प्लीमेंट. ए डैश का आपको याद होगा कि ए डैश का मतलब यू माइनस ए. ए डैश हम यहाँ लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यानी यू माइनस ए का मतलब ये है बेसिकली ये डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है, कि यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो. तो यू आपके पास देखिए है 1, 2, 3 अप टू 10 तक. ये माइनस, ठीक है, ए आपके पास है 2, 3, 5, 7 और 9. अब देखिए ए डैश का मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है. तो बच्चे कौन कौन से एलिमेंट नहीं है देख रहे हैं. एक देखिए आपका 1 नहीं है, दूसरा आपके पास देखिए 2 और 3 तो है, 4 नहीं है 5 है, फिर 6 नहीं है, फिर 7 है, फिर 8 नहीं है और फिर 10 नहीं है. तो यू के वो एलिमेंट जो ए में ए के अंदर मौजूद नहीं है वो कौन कौन से हैं. 1, 4, 6, 8 और 10. देखिए ये आपके पास आ गया ए डैश. तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया ए डैश. अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है फॉर बी डैश, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो अब बेटा देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी. वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी. यानी यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है. तो यू तो आपके पास है 1, 2, 3 अप टू 10 और माइनस बी आपके पास है, वो जीरो के बजाय मैंने उसको 1 कर दिया, ठीक है, 1, 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, अब क्या करेंगे, बी डैश यू माइनस बी, यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है. तो देखिए कौन कौन से नहीं है, 1, 2 है 3 नहीं है पहला, फिर 4 ऑलरेडी है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 मौजूद है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 मौजूद है, फिर 9 नहीं है. बेटा देखिए ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट. तो बात क्लियर है, ठीक है बेटा. तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपने फाइंड करना है. अब यहाँ लिखेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. बेटा देखिए इसमें हमने पहले क्या करना है, देखें पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इनका यूनियन करना है. तो आपको याद होगा कि यूनियन में सबको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है. अच्छा आपने तो अगर एग्जाम में ये अकेला पार्ट आएगा तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है और बी कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है. मगर यहाँ पे देखिए क्योंकि मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा, ठीक है. दोबारा सुन लें, एग्जाम में आपने ए कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करना और बी कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करना, ठीक है. अब वो फाइंड करने के बाद उनका यूनियन फाइंड करना है. मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुका हूँ तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस ए कॉम्प्लीमेंट देखिए ये आपके ऊपर है, ये रहा 1, 4, 6, 8, 10. 1, 4, 6, 8 और 10 ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिखा हुआ है.
3, 5, 7 or 9. ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा अब इनको करना है यूनियन, तो आपको याद होगा यूनियन में क्या करते हैं, इन सबको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखिए आपके पास ये है 1, 4, 6, 8 और 10 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट है 3, 5, 7 और 9। यूनियन में आपको याद होगा इन सबको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको देखिए आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 7, 8, 9 और 10 ठीक है बेटे। देखिए ये आपके पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास। ठीक है बेटा, आप देखिए दोबारा सुन ले, अगर एग्जाम में एक ही पार्ट होगा तो पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, मगर यहाँ पे क्योंकि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर चलिए इसको दोबारा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको कंप्लीट आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको याद है यू माइनस ए, U आपके पास है 1, 2, 3 up to 10 और A आपके पास है 2, 3, 5, 7, 9 2, 3, 5, 7, 9 अब देखिए क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A, दोबारा सुने U के वो एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से, देखिए 1, 2 ठीक है, सॉरी 2 तो है, ठीक है ठीक है, 2 तो उसके अंदर मौजूद है ना, 2 नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए आपके पास आ गया 1 और फिर देखिए आ जाएगा, देखिए 3 भी ऑलरेडी है, फिर 4, फिर 5 भी है, ठीक है 1, 4, 5 भी है, फिर 6 और फिर 8 और फिर 10 आपके पास आ गया एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें क्योंकि फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट, वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यू तो आपके पास है 1, 2, 3 up to 10 माइनस बी आपके पास है 1, 2, 4, 6, 8 और 10 मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेट सी है उसको बी कर लें और जीरो के बजाय 1 कर लें। ठीक है, क्योंकि जीरो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद नहीं है।
बी कॉम्प्लीमेंट देखिए आपको बताएगा 1 2 3, यानी यू के एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे, देखिए 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा देखिए 4, नहीं 4 तो है, 3 5, फिर 7, फिर 9, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना इंटरसेक्शन, अब हम यहाँ लिखेंगे 4 ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेटा देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, देखें 1 4 6 8 10, अब यहाँ लिखेंगे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए आपके पास है 1 4 6 1 4 6 8 10, 6 8 और 10, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा 3 5 7 और 9। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कंबाइन एलिमेंट उनको लिखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, यानी कॉमन एलिमेंट है, सॉरी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट एक जैसे उनको लिखते हैं। तो देखिए बेटा इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए कॉमन कोई भी नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा नल सेट, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहीं तक रख लें, बल्कि एक पार्ट और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा देखिए, आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब आपने याद रखना बेटा, देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर होगा ना, उसको आपने यू में से माइनस करना, आपको याद होगा कि जैसे कि मैं कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको आपने यू में से माइनस करना है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब बेटा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम यू लिख सकते हैं, देखें जो कंप्लीट है, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, बेटा देखें यू आपके पास देखे हैं 1 2 3 अप टू 10, माइनस अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए देखिए आपके पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7 और 9 इंटरसेक्शन, और बी आपके पास है 1 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे, स्टार्टिंग में भी देखें ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। देखिए यू आपके 1 2 3 अब 10 है,
और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए आपका 2 3 5 7 9 है इंटरसेक्शन, और ये आपका देखिए 1 2 3 4 6 8 और 10 है। शायद उसको मैं यहाँ पे जो ना वो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब बेटा देखिए, पहले तो हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये यू तो आपके पास ऐसे ही आ गया 1 2 3 अप टू 10। फिर माइनस, अब देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट निकल, कॉमन एलिमेंट पहला कौन सा है 2। आपको याद होगा इंटरसेक्शन में दोबारा सुनने, जो एक जैसे एलिमेंट है उनका सेट जो है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो 2 है, फिर बस ये 2 ही है, ठीक है 2 है। फिर आगे देखें 3 5 7 9, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अब u के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो 2 के अलावा सारे हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा बच्चों, ये आपने जो ना नीट कॉपी में तमाम क्वेश्चंस करने, ठीक है, जैसे कॉलेज खुलेगा तो मैं ये चेक करूंगा, तो आपने साथ साथ इनको नीट में करते जाना, ठीक है। अच्छा बच्चे, आप जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों ने खुद करना होमवर्क, ठीक है, वो देखिए आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सिंपल है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको याद होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। देखिए वैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें ए इंटरसेक्शन बी था, तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर है उसको यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। बेटा यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, बाकी आगे इसमें एक डिमोर्गन्स लॉ है आपको इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, ठीक है। तो ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, इसको आपने क्लियर नीट करना है, ठीक है।